हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज संडे का दिन, आपके लिए भी संडे का दिन बहुत अच्छा हो, सबके लिए बहुत अच्छा हो। और आज जो है अपनी सोसाइटी में होने वाला है फंक्शन, तुलसी सालिग्राम के विवाह का आयोजन किया गया है। नीचे भोजन की भी व्यवस्था है, कार्यक्रम भी होने वाले हैं और हम सब्जी लेने भी जा रहे हैं नीचे। तो आपको नीचे की क्या व्यवस्था चल रही है वो भी दिखा देते हैं और सब्जी लेके आते हैं, क्योंकि लेट भी होते जा रहे हैं, भोजन पानी का भी इंतजाम करना है। चलिए। तो ये हो गई है तैयारियां शुरू। कितना सुंदर सजाया है, बैठने का बहुरा इंतजाम हो गया है। और यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है ये भी हटा दी जाएंगी और यहाँ पर जो है भोजन बनेगा। हमने हमारी बाइक वहां लगा दी है कोने में। बेलोटा झूला लेके तैयार खड़ा है। तो किस लिए झूला लेके खड़ा है? और आज बनाई है आंटी ने कितनी सुंदर बतख वाली रंगोली। ये लिया है हमने कांच का ग्लास, दो नींबू, चाट मसाला, काला नमक और ये पिसी हुई शक्कर। और ये सारा आइटम जो है अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। आधा चम्मच से थोड़ा कम चाट मसाला, उतना ही काला नमक और ये दो चम्मच पिसी हुई शक्कर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सबसे बेस्ट चीज, वाह, हमारा सोडा। और ये तैयार हो गया है हमारा मसाला सोडा, बढ़िया नींबू और शक्कर वाला, खट्टा मीठा चटपटा, क्योंकि काला नमक और चाट मसाला भी है। मुझे मसाला सोडा बहुत पसंद है, मुझे घर का ही ज्यादा पसंद है, बाहर का मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं पी के देखता हूँ और आपको बताता हूँ। खट्टा खट्टा मीठा मीठा चटपटा मसाला सोडा, मजा आ गया, माइंड फ्रेश हो गया, फुर्ती आ गई, चुस्ती आ गई। आप भी ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो आज बिलोटा बना रहा है हरी मटर की सब्जी, थोड़ी सी लिपटेमा, मतलब न सूखी न गीली। हम जो है भगवान का प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते हैं, तो हम कोई भी चीज अगर प्याज लहसुन की बना रहे हैं तो हम दो बनाते हैं, एक विदाउट प्याज लहसुन और एक प्याज लहसुन वाली, क्योंकि विदाउट प्याज लहसुन में भगवान जी का भोग लग जाएगा और जो प्याज लहसुन वाली है उसका भोग हम लोग लगाएंगे। और बिलोटा ने आज मुझे काम दिया है आटा गूंथने का, क्योंकि बिलोटा जो है बहुत भूखा है और वो अपना सब्जी बनाएगा, इधर मैं आटा गूंथ दूंगा। तो बहुत सारे लोगों को आटा गूंथने में तकलीफ होती होगी, भाई आटा कैसे गूंथा जाए। आटा गूंथना भी एक बहुत बड़ी कला है, सीखना बहुत जरूरी है, काम आती है। तो मैं आज आपको आटा गूंथना भी सिखा देता हूँ कि ऐसे आटा गूंथते हैं। तो चलिए साथ में गूंथिए आटा। सबसे पहले मैं इस तरह की थाली लूंगा, क्योंकि अगर आप इस तरह की थाली लेते हैं तो इसमें ये समझिए कि आटा गूंथने में आसानी रहेगी आपको। और एक गिलास ले लेता हूं मैं पानी। हाँ, मैंने एक गिलास पानी जरूर ले लिया है, लेकिन इतना पानी लगेगा नहीं, फिर भी हम एक गिलास पानी ले लेते हैं। तो ये हमारे आटे में एक कटोरी पड़ी ही रहती है। अगर हम एक कटोरी आटा लेते हैं तो इसमें हमारी पतली पतली तीन रोटियां बन जाती हैं। तो मैं तीन कटोरी आटा ले लेता हूं। तेरे मिर्ची कैसे लग गई? अभी काटी है, आँख में लग गई। मिर्ची हाथ से काटी है तो आंख में कैसे लग गई? हाथ से तो काटी है। तो हाथ से काटी है तो आंख में कैसे पहुंची? और हम जो है इस आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और सबसे पहले हम नमक को जो है इसमें आटे में मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा बीच में जगह बनाएंगे और उसमें हम डालेंगे ये पानी। कितना पानी डालना है? अंदाज से थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। अगर आप एकदम से ज्यादा पानी डाल देंगे तो आपका आटा जो है पूरा गीला हो जाएगा, फिर आप कितना भी सूखा आटा डालते जाइए वो चिपचिपाता रहेगा और जो है अच्छी तरीके से गुथेगा नहीं और रोटियां भी अच्छी नहीं बनेंगी। बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा ऐसा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां से शुरू करेंगे और जितना भी सूखा आटा होगा हमारा उसको हम धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे। अब ये पानी का अंदाजा एकदम से बताना तो सही नहीं है, लेकिन आप जो है थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और सूखा आटा मिलाते जाइए। अच्छे से मीड़ मीड़ के डालिएगा ताकि सूखा आटा जो है पूरा सोख ले। क्या बोल रहा है बिलोटे? काट ले। खांस दे मेरे ऊपर तू। फिर से हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। ये जो गूथा है इसको छोड़ देते हैं अभी, और जो बचा हुआ है और उसको मिक्स करते हैं। ये देखिए इस तरीके से चिपकने लगता है ये, लेकिन हम जो है जो बचा हुआ है उसको पूरा सूखे वाले को मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जो भी सूखा आटा रहेगा बाजू में सबको इसके साथ लेके गूंथते जाना है।
एक दो बार में तो आटा गूथना मुश्किल है, लेकिन अगर आप दो तीन दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा गूथना। अभी ये वाला आटा पूरा टाइट हो गया है, अब हम इसमें जो है पानी डालना धीरे धीरे शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी, ताकि आटा धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाए। जैसे मुट्ठी बांधते हैं उस तरीके से पहले इसको मीड़ना है। बीच में आपको करना क्या है, मुट्ठी बंद करनी है और इसको गपचे लगाने हैं, इस तरीके से गपचे लगाने हैं। थोड़ा सा पानी फिर से डालेंगे, प्रोसेस वही दोहरानी है। तो उससे क्या होगा, आटा आपका सॉफ्ट होता जाएगा, ताकत भी आपकी धीरे धीरे कम लगेगी। और इसमें आपको फिर से गपचे मारने हैं, और गपचे मार मार के आटे को चारों तरफ फैला लेना है अच्छे से। अभी इसको तोड़ के देखेंगे, आटा आराम से टूट रहा है, इसका मतलब अभी भी आटा टाइट है। फिर से इसमें पानी डाल लेंगे, सेम प्रोसेस फिर से दोहराएंगे। जितने ज्यादा गपचे आप मारेंगे, रोटी उतनी अच्छी बनेगी, उतनी सॉफ्ट बनेगी और उतनी लजीज और मजेदार बनेगी। आटा हल्का हल्का टूट रहा है, खिंचाव नहीं आया है, थोड़ा पानी और डालेंगे। अब आप इसमें कैसा पानी डालते जाओगे ना, तो भी आटा चिपकेगा नहीं अभी, लेकिन स्टार्टिंग में अगर ज्यादा पानी डाल दिया तो फिर आटा गूथने का मूड भी खराब हो जाता है, क्योंकि वो इतना चिपकता है ना फिर। और अभी कुछ भी कर लीजिए, ये देखिए पानी आपको लग रहा होगा ज्यादा हो गया, उसके बाद भी आराम से निकल जाएगा, ये चिपकेगा नहीं। यही फायदा है धीरे धीरे पानी डालने का। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इससे इसको ऐसे पकड़ना है और लोचे मारने हैं। ये देखिए हल्का हल्का चिपक रहा है ना, इसका मतलब थोड़ा पानी है, लोचे मारेंगे अच्छे से तो सही हो जाएगा। और ये हमारा आटा जो है गुठ के तैयार हो गया है। अब इसकी रोटियां भी बहुत जोरदार बनेंगी।